जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कल सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है। इस दिन सभी पुरुषों को, विशेष तौर से जो 12 साल से बड़े हैं, उन सबको, चाहे वह बीच वाले हों, मझले हों, चाहे सबसे बड़े हों या सबसे छोटे हों, चाहे पिताजी जिंदा हो, माताजी जिंदा हो, दादाजी जिंदा हो, या फिर आपके परिवार के सदस्य अपने पितरों को गया जी छोड़ करके आ गए हों, उसके बावजूद भी, चाहे आप तीन तीन चार चार बार पितरों को गया जी छोड़ के आ गए हों, तो भी आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। ज्ञात अज्ञात, मातृकुल और पितृकुल के पितरों के निमित्त, जिनको हम नहीं जानते, 7 पीढ़ी के जो पितर होते हैं मातृकुल के और पितृकुल के, 7 पीढ़ी के जो भी पितर हैं, चाहे उनकी मृत्यु सन्यासी के रूप में हुई हो, अकाल मृत्यु हुई हो, सांप के काटने से हुई हो, पानी में डूबने से हुई हो, कुएं में डूबने से हुई हो, ऊपर से गिर करके मृत्यु हुई हो, फांसी लगा ली हो, आग लगा करके जल गए हो, हिंसक जानवर के द्वारा खा लिए गए हो, या ऐसे व्यक्ति भी होंगे कुछ जो घर छोड़ के भाग गए थे और बाद में उनका कुछ पता ही नहीं चला, तो ऐसी जितनी भी अतृप्त आत्माएं कह लीजिए, या ऐसी आत्माएं जो हमसे मुक्ति चाहती है, हमसे तृप्ति चाहती है, चाहे वो हमारे आस पड़ोस वाले की आत्मा भी हो सकती है, कोई हमसे प्रेम करता था उसकी आत्मा भी हो सकती है, चाहे वो स्त्री की आत्मा हो, चाहे वो पुरुष की आत्मा हो, चाहे वो बच्चे की आत्मा हो, कोई भी आत्मा जो हमसे तर्पण लेना चाहती हो, पिंडदान लेना चाहती हो, तृप्त होना चाहती हो, आसपास की रहने वाली आत्माएं भी हो सकती है, पीपल के वृक्ष पर रहने वाली आत्मा हो सकती है, गुलर के वृक्ष पर रहने वाली आत्माएं हो सकती है, वट वृक्ष पर रहने वाली आत्माएं हो सकती है, मंदिर में रहने वाली आत्माएं हो सकती है, अच्छी आत्मा भी हो सकती है, बुरी आत्माएं भी हो सकती है, हम उन सभी आत्माओं के निमित्त यह पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं, ऐसा संकल्प लेना है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कई जीव जंतुओं को, कीट पतंगों को या फिर जानवरों को, हमारे से हत्या हो गई, हमारी गाड़ी से कुचले गए, पैदल चलने से मारे गए, हमने कीटनाशक दवा छिड़की जिससे उनकी मृत्यु हो गई, ऐसी आत्मा भी यदि हमसे मुक्ति चाहती है या तृप्त होना चाहती है, तो उसके लिए भी हम ये श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, ऐसा संकल्प लेकर के श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के अंदर पिंडदान किया जाता है और तर्पण किया जाता है, इसके बाद में गरीब व्यक्तियों को यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार भोजन वितरित करना चाहिए। ब्राह्मणों को जो पिंडदान कराने के लिए आएंगे, उनको भी आपको भोजन कराना है, मीठा भोजन कराना है, और अपनी धर्म संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के अनुसार पितरों के निमित्त जो भोजन बनता है वो भोजन ब्राह्मण को अवश्य कराना है, जो आपकी इस पिंडदान की पूजा को संपन्न कराएगा। तर्पण जो होता है वो तर्पण हम 10 दिशाओं में बैठ करके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन दिशाओं में बैठ करके देवताओं को भी तर्पण करते हैं और पितरों को भी तर्पण करते हैं, तो सभी को जलांजलि देना चाहिए जिससे कृपा प्राप्त होती है, और पितरों को पिंडदान देना चाहिए, और बाद में वो पिंड यदि गाय उपलब्ध हो तो गाय को खिला देना चाहिए, गाय उपलब्ध न हो तो नदी में छोड़ देना चाहिए ताकि मछलियां उनको खा लेती है। यह इस प्रक्रिया का नियम होता है। तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सभी मनुष्यों को
जो 12 वर्ष से अधिक हो, चाहे वो बालक हो, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, सबको पिंडदान और तर्पण करना ही चाहिए, ताकि उसके जीवन में पितरों के द्वारा उसको कृपा प्राप्त हो सके। जिसके यहाँ पर मृत्यु हुई हो, यदि एक वर्ष पूरा नहीं हुआ हो, तो उनको यह पिंडदान तर्पण नहीं करना चाहिए। और जिनके यहाँ पर शादी हुई है, और जिसकी शादी हुई है, उस लड़के को 1 साल तक श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपके यहाँ पर जिसका विवाह हुआ 1 साल अभी पूरे नहीं हुए हो, वह व्यक्ति को तर्पण और पिंडदान नहीं करना चाहिए, यानी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं एक बार और, कि जिसके यहाँ पर मृत्यु हुई हो परिवार के किसी सदस्य की, और 1 साल पूरा नहीं हुआ हो, तो ऐसे मनुष्यों को भी यह पिंडदान और तर्पण सर्पित मोस अमावस्या के दिन नहीं किया जाता है। बाकी और अन्य सभी मनुष्यों को पिंडदान तर्पण करना चाहिए, ताकि उनको ईश्वर की और पितरों की कृपा प्राप्त हो सके। और जब पितरों की कृपा प्राप्त होगी, तो आपके यहाँ पे धन धान्य में वृद्धि होती है, विवाह में विवाह होते हैं, वंश में वृद्धि होती है, और सुख समृद्धि शांति मिलती है। एक बात और बता दूं, हमेशा ध्यान रखें आप सनातन धर्म के नियम कानून का पालन कर रहे हो, तो कभी भी आपको प्रेतों को नहीं पूजना है, यानी पितरों को कभी भी घर में स्थान नहीं देना चाहिए, और न ही खेत में स्थान देना चाहिए। हमेशा पितरों का स्थान, उनकी मुक्ति होती है, उनका मोक्ष होता है, ताकि वो पितर मुक्ति प्राप्त करें और अगला जन्म के लिए प्रस्थान करें। यह सामान्यतः नियम बताया गया है। इस दिन सर्पित मोक्ष अमावस्या के दिन पूरी खीर अवश्य बनती है, भजिए, गुलगुले, पकोड़े, जो भी आपकी परंपरा के अनुसार हो, वो नमकीन भी बनाया जाता है। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते हो, तो आप छोटे बच्चों को, जो किसी भी जाति समाज के हो, उनको बुला करके भोजन करा सकते हो, तो भी ये मान लिया जाता है कि पितरों ने भोजन किया। गाय को भरपेट भोजन कराना चाहिए, यानी गाय को खली, चूरी और भूसा तीनों ला करके मिला करके एक या दो गाय को एक समय का भरपेट भोजन कराएं, ताकि पितर गाय के शरीर में बैठ करके भरपेट भोजन कर सके और आपको आशीर्वाद प्रदान कर सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सर्पित मोक्ष अमावस्या 365 दिन में एक दिन आती है। यह बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन केवल पितरों की ही पूजन अर्चन करना चाहिए। जिन जिन मनुष्यों के यहाँ पर, जिन जिन घरों में पवन शरीर में आती है, उनको भी पवित्र नदी में जाकर के पिंडदान तर्पण वगैरह करने के बाद में स्नान अवश्य करना चाहिए, और वहीं से ही उस शक्ति का आवाहन करके जल लेकर के आना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।